मुस्कुराइए, हम बांधवगढ़ में हैं। जैसे तैसे करके हम सब आ गए बांधवगढ़। तो ये प्लान कैसे हुआ, आप लोग थोड़ी फ्लैशबैक में जाइए तो आप लोगों को पता चलेगा। अभी अभी हम लोग घूम रहे थे रास्ते पे, तो हम लोग का एकदम से प्लान बन गया, सडन प्लान हो गया कि बांधवगढ़ चलते हैं, आज संडे भी है। तो गाड़ी दबा दिए, बस अपने हाथ में भी गाड़ी दबा दिए, और मेरे साथ चलेंगे निशांत, प्रतीक एंड भविष्य और मैं, केवल चार लोग। बढ़िया घूम रहे थे, एकदम से प्लान बन गया बांधवगढ़ का। तो शायद आज रात में भी रुक जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या फन होता है। तो आपको वहीं मिलता हूँ मैं सीधे बांधवगढ़ पे। बांधवगढ़ जाते जाते एक ये शानदार सा व्यू आया है, आप लोग भी देखिए, बहुत ही शानदार व्यू है। फाइनली जैसे तैसे ऐसे हम आ ही गए अपनी डेस्टिनेशन। ये हमारा रिजॉर्ट ग्रीन वुड्स, आपको टूर करवाता हूँ पूरा एक ब्रेक के बाद। सो, अभी चलते हैं अपन स्विमिंग पूल, क्योंकि बांधवगढ़ आए और स्विमिंग पूल में नहीं नहाए तो क्या किए। चले, चलना ही है भाई, चलना ही है। तो देखिए आप लोग, रिजॉर्ट कुछ इस टाइप का है और स्विमिंग पूल का रास्ता देखते हैं कहाँ से है। इस टाइप के कॉटेजेस बने हुए हैं यहाँ के, बहुत अच्छे कॉटेज हैं, आप विजिट कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देना। हाँ बिल्कुल, कहाँ से है स्विमिंग पूल यार? सीधे है, ठीक। अरे यार, काफी दिनों बाद अपन आ रहे हैं। तो ये आ गया अपन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल काफ़ी ठीक है चार लोगों के हिसाब से, और इसके आसपास की लोकेशन कुछ इस टाइप की है। लगता है पहले भी कुछ लोग आए थे यहाँ पे, उनका सामान वगैरह रखा हुआ है। पहले कुछ खा लेते हैं क्या? चलिए गाइस, तो कुछ थोड़ी पहले बात खा लेते हैं, फिर नहाते हैं।
later. आप लोगों को रूम का कुछ विजिट करा देता हूँ कि कैसा है रूम। तो वो ऐसा दिखता है कुछ हमारा रूम के बाहर का सीन। ये एक बढ़िया सी बालकनी दी गई है, इसमें बढ़िया दो चेयर वगैरह दी गई हैं, काफी अच्छा। और ये एक सामने नजारे के लिए यहाँ से होती है हमारी एंट्री। ये हमारा चेंजिंग रूम और वॉशरूम भी देख लेते हैं कैसा है। वॉशरूम भी काफी नीट एंड क्लीन और काफी बड़ा है वॉशरूम। ठीक है, बढ़िया है। ये है हमारा रूम और ये बैठे हैं प्रतीक सराफ, जिनका यूट्यूब चैनल है मिमिक्री वाले लड़के। कुछ मिमिक्री अच्छा। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है राजीव, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। रिश्ता बताऊं तुम्हारे बाप होते हैं और उससे बेकार है लड़की। और ये संजय दत्त कांचा चीना जो और ये निशांत, अगर आप इनको YouTube में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अगर मुझको फॉलो करना है तो मिमिक्री वाले लड़के पे जाओ और फॉलो का बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर दो। तो मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड रूम कुछ इस टाइप का है, बढ़िया एक सोफा है। एंड रूम की कुछ हालत इस टाइप की है, काफी बढ़िया रूम है, तो मजा तो आया है। तो चलते हैं अब थोड़ी कहीं बाहर घूम लेते हैं रोड में, कि कोई शेर वेर अगर दिखता है, टाइगर वगैरह, तो काफी अच्छी बात होगी। नहीं तो फिर उसके बाद डिनर करके सीधे निकलते हैं घर। तो मिलते हैं बापू डायरेक्ट गाड़ी पे। अपन निकल चुके हैं अब नाइट में घूमने के लिए, नाइट सफारी के लिए। अगर कुछ टाइगर वगैरह दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लाइट कैसे बंद करो। वैसे आज का दिन काफी बढ़िया गया है और थकान है थोड़ी बहुत, और बस मैं जंगल पहुंच के आप लोगों को सीन दिखाता हूँ कि जंगल कैसा दिखता है नाइट में। एक बार हम लोगों को टाइगर दिखा था, तो देखते हैं कि अगर आज टाइगर दिख जाता है घूमते फिरते तो ये सब तो लक की बात है। लेट्स सी क्या होता है। अपन को तो हम लोग को कुछ नहीं दिखा रोड पर सफारी करते हुए। अब आ गए रिजॉर्ट दोबारा एंड करेंगे अब डिनर। बस डिनर सर्व होता है फिर उसके बाद हम खा के निकलेंगे सीधे सेट रोड के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू भाई।